मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि डेली बेसिस पे आप मेरी नई वीडियोस देख सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं आप सबको एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है डार्क सर्कल्स के बारे में, आँखों के गिर्द जो स्याह हल्के होते हैं उनके बारे में, कि आप उनको दूर कैसे कर सकते हैं, उनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं आसानी के साथ घर बैठे। क्योंकि मेरे फेसबुक पेज पे काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि आँखों के गिर्द जो स्याह हल्के होते हैं उनको ख़त्म करने का कोई तरीका बताएं, तो मैं आपको इस वीडियो में चंद मौसर ब्यूटी टिप्स बताऊँगी जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं आँखों के गिर्द स्याह हल्कों को दूर करने के लिए। लेकिन ये टिप्स बताने से पहले मैं आपको स्याह हल्कों के होने की वजूहात बता दूँ। कुछ वजूहात ऐसी हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं और वही दर हकीकत स्याह हल्कों का बाइस बनती हैं। लाइक जैसे अगर आप मुसलसल अपनी आँखों को रगड़ते हैं, रब करते हैं मुसलसल, तो उस वजह से भी आँखों के गिर्द स्याह हल्के बन सकते हैं। रात देर तक जागना, टाइम पे ना सोना और मुनासिब नींद पूरी ना करना, तो ये भी आँखों के गिर्द स्याह हल्कों की वजह बन सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारे पूरे जिस्म के साथ साथ आँखों को भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम आँखों को इतना टाइम नहीं दे रहे कि वो प्रॉपरली रेस्ट करें, तो डेफ़िनेटली उन पे बुरे असरात जो हैं वो मुरतब होंगे और हल्के नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा वो वाइटमिन जिसकी डेफिशिएंसी या कमी की वजह से हल्के नमूदार होना शुरू हो सकते हैं, वो है वाइटमिन के, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वाइटमिन के की कमी जिस्म में हल्कों का बाइस बन सकती है, तो इसके लिए ये चाहिए कि वो खुराक लेना शुरू करें जो वाइटमिन के जिनमें ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं ये कह के कि कुछ नहीं होता, तो ये चीज़ें भी जो हैं ये सेहत पे बुरे असरात मुरतब कर सकती हैं। तो अब चलते हैं उन टिप्स की तरफ जिन्हें आप इस्तेमाल करके आसानी से बिना किसी परेशानी के जो है वो अपने चेहरे को भी दिलकश बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं और हल्के भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे लाजमन सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यकीन माने इस पर किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं होता। तो सबसे पहली जो टिप मैं आपको बताने लगी हूँ वो बहुत ही आसान है। आपके घर में ये दोनों चीज़ें तकरीबन मौजूद होती हैं कि अर्की गुलाब और कॉटन रोल। तो दो कॉटन बॉल्स आप ले लें और उनको अर्की गुलाब में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें। और ये ख्याल रखना है कि अर्की गुलाब जो है वो ठंडा होना चाहिए। तो इसके बाद इन कॉटन बॉल्स को आप अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करें, यानी कि जो हल्के हैं, हल्कों का जो रीजन है उन पर अप्लाई करें। और आप डेली इसे अप्लाई कर सकते हैं 2 times a day, यानी कि सुबह भी और शाम को भी। और इसे इस्तेमाल करने के बाद आप यकीन माने आप विजिबल इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि हल्कों में कितनी हद तक कमी आई है। इसके अलावा जो सबसे आसान टिप जो अक्सर हम लोग टीवी कमर्शियल्स में भी देखते हैं, पॉलर्स में भी तकरीबन हमें जो है वो फेशियल्स के दौरान ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि खीरे के स्लाइसिस जो हैं वो काट कर आँखों पर रखे हुए होते हैं, तो ये जस्ट आर्टिफिशियली नहीं रखे हुए होते, इनका भी इफ़ेक्ट होता है। कि आप घर पर भी ये अमल कर सकते हैं कि खीरे को थिन स्लाइसेस में काटें और रेफ्रिजरेटर में रख दें 30 मिनट के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए, और इसके बाद इन ठंडे स्लाइसेस को आप अपनी आँखों के हल्कों पर रख दें, 10 से 15 मिनट के लिए। इससे आपको सुकून भी मिलेगा और रेस्ट भी हो जाएगा आँखों का, और जो हल्के हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और ये टिप जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ ये मेरे ख्याल से मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इजी है, कि आम तौर पर घरों में बादाम का तेल मौजूद होता है, तो एलमंड ऑयल को आपने अफेक्टेड एरिया में, यानी कि जो आँखों के गिर्द स्याह हल्के जो हैं उन पर मसाज करना है 3 से 4 मिनट के लिए, और इसे फिर पूरी रात के लिए छोड़ देना है, लगा रहने दें इसे, और उसके बाद सुबह उठकर इसे ठंडे पानी से धो लें, तो इसके तो बहुत ही जल्द आपको जो है वो रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेमन जूस, जैसे कि आपको पता है कि लेमन नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट है, रंग अगर डल हो तो इसको ये साफ़ करने के काम आता है, फेयर करने के काम आता है। तो फ्यू ड्रॉप्स आप ले लें लेमन जूस के चंद कतरे, और कॉटन बॉल पे इसे लगा के अपने जो हल्के हैं उन पर अप्लाई करें,
और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। तो रेगुलरली अगर आप ये अमल करेंगे तो आपके हल्के इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये दावा नहीं करूँगी कि ये जो टिप्स हैं ये आपको रातों रात जो हैं वो हल्के आपके ख़त्म कर देंगे और जनाब दो दिन में ख़त्म कर देंगे, नहीं। अगर आप परसिस्टेंट होके इन टिप्स को इस्तेमाल करते रहेंगे, मुस्तकिल मिजाज होके, तो इंशाल्लाह एक ही हफ्ते में आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। टमाटो जूस और लेमन जूस, इन दोनों को बराबर मिकदार में ले लें, यानी कि टमाटर का जूस और लीमू का जूस, और इसे कॉटन बॉल पे अप्लाई करके आप हल्कों पर लगाएं, 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद पानी से धो लें। तो डेली आप ये कर सकते हैं हल्कों को दूर करने के लिए। और पुदीने की मैं लास्ट टिप आपको बताऊंगी कि अगर पुदीना घर में मौजूद है तो आप इसके पत्तों को कूट लें या क्रश कर लें और उसे हल्कों पर अप्लाई करें। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे लगा रहने दें और इसके बाद इसे साफ़ कपड़े से साफ़ कर लें। तो डेली अप्लाई करने से इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हल्कों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये चंद आसान सी टिप्स थी। इसके अलावा भी और टिप्स हैं जो मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं आप। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मैं दोबारा से ये बात कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।